इससे घटिया चीज मैंने कभी नहीं लगाया अपनी बुलेट के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, दिस आर वेलकम बैक टू माय चैनल। नया वीडियो आपका भाई लेके आ चुका है। तो भाई सबसे पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो नए हैं मेरे चैनल पर, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका भाई इस वीडियो में लेके आ चुका है भाई ये हैंडल वाला वाइब्रेशन रॉड। जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे भाई, वाइब्रेशन रॉड मतलब ये वाइब्रेशन से कोई रिलेटेड होगी। बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं भाई, इस वीडियो में देखेंगे ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। सबसे पहले करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद करेंगे अपनी क्लासिक 350 देखिए मेरी सहजादी में इसको फिट, उसके बाद देंगे शॉर्ट राइड अपने हेलमेट और गोप्रो एक्शन कैम के साथ। ठीक है भाई, जो भी मैं प्रैक्टिकली फील करूंगा ना इस वीडियो के एंड में, मैं कंक्लूजन सारा बताऊंगा भाई कि ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, कीप वॉचिंग। Sound right, boy. मैं निकल चुका हूँ अपने घर से इस शहजादी को लेके। देखिए ये लग चुकी है फाइनली हैंडल बार वाइब्रेशन रॉड। भाई सबसे पहले फ्यूल डलवाया था, फ्यूल थोड़ा सा कम था, ब्लिंक कर रही थी, लाइट जली नहीं थी। ठीक है, पानी का मौसम बना हुआ है भाई। थोड़ा सा क्या है कि मैं सोच रहा हूँ राइट पे निकलूँ या ना निकलूँ, क्योंकि मेरे जो गोप्रो है उस पर मॉड लगा हुआ है। मॉड वाटरप्रूफ नहीं है, गोप्रो वाटरप्रूफ है। तो इसे टेस्ट करेंगे भाई, मुझे नहीं लगता कि भाई ये कारगर होगा, फिर भी चलो ट्राई करते हैं कि इस वाइब्रेशन रॉड में कितना दम है। रन 50 क्रॉस कब, तो बहुत शानदार है भाई VS6 बाइक का जो है ना बुलेट अपनी क्लासिक का। मैंने जानबूझ के ग्लोव्स नहीं पहना है क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो वाइब्रेशन रॉड है वो कितनी कारगर है, प्रॉपर वाइब्रेशन मेरे हाथों में फील हो। साल भर होने जा रहा है मुझे बुलेट चलाते चलाते, तो इसका वाइब्रेशन तो मेरे नस नस में समाया हुआ है किस स्पीड में कितना करती है। बुलेट चल रही है अभी 50 में, 60 वाइब्रेशन फील होने लगे भाई हाथ में, 70 में ही भाई वाइब्रेशन मतलब समझ में आने लग गया भाई। थोड़ी सी रफ ड्राइविंग देखना भाई आज मेरी, वीडियो आपके लिए बन रहा है तो प्लीज़ कमेंट लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई के चैनल में, नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। ये देखो मान आत्मा लोग कहीं भी चलेंगे, पूरी सड़क ही इनकी है, लेफ्ट राइट का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है इन लोगों का। 70 क्रॉस कर रहा हूँ भाई मैं, आप लोग को दिख रहा होगा 80 टच हो चुकी है मेरी बोल, अब 80 90। भाई वाइब्रेशन देख लो आप लोग को मैं कैसे दिखाऊँ, देखो क्लच में अभी तो चलो ब्रेक लगाना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। जैसी 90 पे पहुंची थी भाई तो इसके जो है ना ये हैंडल बार एंड पूरे एंड हिल चुके थे और ये जो क्लच और फ्रंट ब्रेक ऐसे तड़प रहे थे भाई तो मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे भाई, कहीं रुक के बताता हूँ मैं अच्छे से आप लोग को इसके बारे में। बहुत ही खास चीज़ है, क्यों इतनी प्यारी मोडिफिकेशन तो मैंने आज तक नहीं करवाया अपनी बाइक में अपने बुल में, सॉरी भाई बाइक नहीं बोलने का इसको, एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था भाई इस बुलेट को बाइक नहीं बोलना, बुलेट ही बोलने का खाली रोड मिलती भाई तब भगाते अपनी बुल को, तब तक क्या मेरी राइड का मजा लो। वाइब्रेशन तो भाई पैर तक के फील होते हैं,
हाथ तो छोड़ो इसके भाई, जिसको वाइब्रेशन से प्यार नहीं है ना, और जिसको भगाना है और बिना साउंड के, मतलब समझ लो कम साउंड कम वाइब्रेशन, नेक्स्ट जन आने वाली भाई, उसे जाके परचेस कर लो आप क्लासिक 350। और जिसको रॉयल फील्ड का साउंड पसंद है ना भाई, वो ये वाली ले लो भाई। ये वाली तो डिसकंटिन्यूड हो चुकी है, न्यूज़ तो यही चल रही है अभी। आप लोग को तो ये भाई अब सेकेंड हैंड ही मिलेगी नेक्स्ट जन जाके लो, बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं भाई फोर लेन में, वहाँ देखते हैं इसकी स्पीड टेस्ट भी हो जाएगी और वाइब्रेशन टेस्ट भी। भाई फर्स्ट सर्विस के पहले मैंने इसे 135 टच किया है, सेकंड सर्विस के बाद 120, उसके ऊपर नहीं जा पाई थी भाई, रनवे लगेगा उसके लिए। चलो फाइनली हम पहुंच चुके भाई उस रोड पर जहाँ पर इसका टेस्ट करने वाले हैं। अभी चल रही है अपनी बुल भाई 45 में, 45 से धीरे धीरे एक्सीलेटर बढ़ाते हैं फोर्थ गियर पर। अभी 50 क्रॉस कर गई है, लास्ट गियर फिफ्थ गियर पर, 60 अबो 70 अबो भाई, देखो तड़ा पर, ये देखो ये कैसा हिल रहा है, ठीक है। और इसे भाई आप लोग ट्राई मत करना, ठीक है, ही सावधानी पूर्वक ये वीडियो ब्लॉग बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इसको घर पे ट्राई मत करना भाई, कुछ भी दुर्घटनाएं हो सकती है। वाइब्रेशन तो भाई बहुत जोरदार आ रहे पूरे बॉडी हिल रही है भाई, 100 टच कर चुकी है अपनी बुल। वाइब्रेशन भाई इसके जो फील है ना भाई, हैंडल में बराबर फील हो रहे हैं इसे लगाने के बाद भी, और इसे अगर मैं पकड़ भी रहा हूँ तो भाई इसमें भी मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है अब बात करते हैं भाई कहीं रुक कर इसके वाइब्रेशन के बारे में ऑल डिटेल्स। तो भाई फाइनली मैं यहाँ रुकता हूँ और आपको सारी जानकारी देता हूँ। फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैं रुक चुका हूँ, अब बात करते हैं जो वाइब्रेशन रॉड है ये कितनी कारगर है। तो भाई मैं आपको बताऊं, इससे घटिया चीज़ मैंने अपनी जो क्लासिक 350 BS6 है, मतलब मेरी शहजादी जिसका नाम मैंने रखा, आप लोग को मालूम होगा भाई, इससे घटिया चीज़ मैंने कभी नहीं लगाया अपनी बुलेट। इतनी घटिया चीज़, मतलब रीज़न ये कि भाई ये वाइब्रेशन रॉड है भाई, वाइब्रेशन 1% कम नहीं कर रही भाई, मतलब 60 तक तो वैसे भी वाइब्रेशन इतने फील नहीं होते हैं, 60 अबो ही फील होते हैं इस क्लासिक 350 के। तो भाई कुछ तो काम आना था भाई इसका, भाई पता नहीं क्यों ये लोग इसे यूज़ करते हैं, मैं भी सोचा भाई यूज़ करके देख लूं। और दूसरी चीज़ से मैं बताऊं भाई कि अगर आप लोग अगर वाइब्रेशन कम करना चाहते हैं तो भाई इसे परचेस मत करिए, क्या लुक के लिए है, और आप इसमें स्विचेस माउंट कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ आपके जो मोबाइल होल्डर है ना, चार्जिंग होल्डर है, वो इस पर माउंट कर सकते हैं। उसके सिवा मुझे नहीं लगता कि भाई इसका कोई यूज़ है, ठीक है, वाइब्रेशन के लिए तो बिल्कुल यूज़ नहीं है, मैं उसके लिए रिकमेंड नहीं करता। अगर आपको वाइब्रेशन कम करने तो भाई इसका जो हैंडल बार है ना वो चेंज कर दो, थोड़ा बहुत भाई पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन कम हो सकता है। आप हैंडल ग्रिप लगा सकते हैं, जिस पर ट्रिप मशीन का मैंने लेदर ग्रिप लगा के रखा हुआ है, क्योंकि हैंडल ग्रिप भी भाई बहुत मोटे आते हैं, उसको मैं रिकमेंड नहीं करता है, ट्रिप मशीन का लेदर ग्रिप अच्छे होते हैं। एक वीडियो बना हुआ है, आई बटन पर लिंक कर रहा हूं, जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप लोग ग्लोव्स भी, आपका जो हैंड ग्लोव्स है, राइडिंग ग्लोव्स है, वो यूज़ करिए, तो भाई जो आपके वाइब्रेशन है ना आपके बुलेट के, वो थोड़े बहुत कम फील होंगे। और इस रॉड के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा भाई, यहाँ पर मैंने जब इसे यूज़ कर रहा था ना, मतलब इसे जब फिट कर रहा था, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे स्क्रेचेस आ चुकी है। और भाई मुझे लगता है कि ये चलने चलने के साथ साथ जो वाइब्रेशन जो होता है ना, तो इतना परफेक्टली ये फिट हुआ है कि वाइब्रेशन परफेक्टली फिट हुआ है, लेकिन क्या वाइब्रेशन इतना है भाई इस बुलेट में कि इसके जो ये है ना फिटिंग, उसमें कुछ तो मोमेंट होगा जिससे कि और स्क्रेचेस पड़ने के चांसेस है भाई। स्क्रेचेस पड़ेंगे तो भाई उसका रीज़न ये है कि भाई यहाँ रस्ट लग सकता है, रस्ट लग गया तो भाई आपका जो हैंडल है ना ये टोटली चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हटा एक बार रस्ट लग गया तो भाई समझ लो आपका हैंडल बार ही ज़्यादा रस्टिंग वाला इशू आके, तो भाई आपको तो मालूम है सबसे बड़ी जान तो यही है जो अपने हाथ में कंट्रोल रहता है भाई, अगर यही अच्छा नहीं है तो भाई समझ लो दुर्घटना होने की संभावना है। तो मैं इसको यूज़ करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को, लुक वाइज यूज़ कर सकते हो, स्विचेस के लिए यूज़ कर सकते हो, वाइब्रेशन के लिए बिल्कुल, ठीक है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, अगर आपको परचेस करना है अपनी बाइक का लुक बढ़ाना है तो उसके लिए परचेस करिए, वाइब्रेशन के लिए तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि भाई इसका यूज़ करें। तो यही था इस वीडियो में, आई होप ये जो वीडियो है, ये जो ब्लॉग था भाई का पसंद आया होगा आप लोग को, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।